पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने जेजेपी की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप रैली करार दिया है। गीता भुक्कल ने कहा है कि लोगों को उम्मीद थी कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झज्जर के लिए कुछ बड़ी घोषणा करके जाएंगे, लेकिन उनके पिटारे से कुछ नहीं निकला। भुक्कल में झज्जर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि रैली में लगातार उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर नारे लगाए जा रहे थे कि ये भविष्य के सीएम हैं, मगर बीजेपी को जेजेपी से ही खतरा है और सबसे ज्यादा चिंता तो मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। मुद्दे उठे हैं, किस तरह के मुद्दे थे, क्या क्या समस्याएं सुलझी हैं? देखिए, समस्याएं किसी का समाधान नजर नहीं आया। दो ढाई घंटे से हम लोग जो जिला ग्रीवेंस की मीटिंग है वो हमने अटेंड की। हैरानी की बात ये है, ज्यादातर मामले या तो लंबित रखे गए या उनका समाधान नहीं किया जा रहा या कहा जा रहा है सब जूडियस है। तो मैं समझती हूँ खासतौर से जिला झज्जर के साथ, क्योंकि हम चारों विधायक जो हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारे जिला झज्जर के साथ पूरी तरह से ये सरकार जो है वो बायस्ड है। जितनी भी समस्याएं, खासतौर से मुझे चिंता जहाँ जिला झज्जर की है, साथ ही साथ में मेरे विधानसभा क्षेत्र झज्जर में इतनी सारी चोरियां हुई हैं, इतने सारे मर्डर हुए हैं। गोरिया में मर्डर हुआ, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। शहर में मर्डर हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। गुड़ा में मर्डर हुआ, उसका पता नहीं चला। कल परसों खेड़ी कुमार में चोरियां हुई हैं, उसका कुछ नहीं पता चला। इससे पहले भी दिन दिहाड़े इतनी सारी चोरियां हुई हैं, व्यापारियों से पैसे तक छीन लिए गए, लेकिन रिजल्ट जो है वो डबल जीरो है। तो हमें बड़ा दुख है। हमने सोचा कि सरकार के मंत्री हैं, आज यहाँ पर आए हैं और चुने हुए विधायक के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम ग्रीवेंस मीटिंग में आए, लेकिन मैं समझती हूँ ज्यादातर मामलों को लंबित रखने की एक अजीब सी लटकाऊ जो ये प्रक्रिया ये अपना रहे हैं, मैं तो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और आइंदा भी जो भी हमारे ग्रीवेंसीज रहेंगी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमेशा इस ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग को अटेंड भी करेंगे और जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो खासतौर से पानी भराव की बहुत बड़ी एक समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी ज़्यादा समस्या है, कोई स्पेशल गिरदावरी यहाँ पर हुई नहीं, आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं, सीवरेज का पानी यहाँ पर पूरी तरह से भरा हुआ है, लोगों को इतनी सारी समस्याएं हैं, पार्कों की इतनी ज़्यादा दुर्दशा है, ये तो हैरानी की बात है कि कौन सा मंत्री, मतलब उनको ये नहीं पता कि कौन से ग्रीवेंस जो है किस डिपार्टमेंट को टेकअप करनी है। तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा गंभीर हमें लगा नहीं, लेकिन झज्जर क्षेत्र की जो भी मांगे रहेंगी, हमारा प्रयास रहेगा आने वाले विधानसभा का जो हमारा सत्र है उसमें हम इन मांगों